हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं नई वीडियो लेके आऊँगा, दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो चॉकलेट है, तो आप समझ ही गए होंगे जो आज का हमारा टॉपिक होगा बड़ा ही मीठा होने वाला। तो चलिए आप देखते हैं चॉकलेट के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हैं चॉकलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक चॉकलेट होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं आपके फैट, कैलोरीज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ चॉकलेट को लेके कि 100 ग्राम चॉकलेट में आपकी कितनी कैलोरीज पाई जाती है, तो दोस्तों 100 ग्राम चॉकलेट में आपकी पाई जाती है 546 कैलोरीज। इसके साथ साथ आपकी प्रोटीन की कैपेसिटी होती है इस चॉकलेट के अंदर 4.1 ग्राम। कैफीन जो एक बेस्ट सोर्स है जो चॉकलेट में मेन रोल प्ले करता है, उसकी मात्रा होती है आपकी 43 मेगाग्राम। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपसे विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम की, तो दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है आपका 5% एंड मैग्नीशियम आपका पाया जाता है 36%, आयरन आपका पाया जाता है 44% एंड इसके साथ साथ विटामिन डी आपका पाया जाता है 5%। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं चॉकलेट खाने से आपकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट आपका हार्ट डिजीज। आज के टाइम में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डार्क चॉकलेट खाने से हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। इसके साथ ही इसके दो फायदे हैं, एक ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, इसके साथ ही ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है जिससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों अब हमने देखा था कि चॉकलेट खाने से आपकी बॉडी में हार्ट डिजीज़ कैसे कम होता है और आप उससे कैसे बचते हैं। तो आइए अब हम अगला देखते हैं अपना ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं आज के टाइम में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आरामबाज सी हो गई है, लेकिन हम चाहें तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं सिर्फ एक डार्क चॉकलेट खाने से। क्योंकि एक डार्क चॉकलेट खाने से क्या होगा दोस्तों कि आपकी बॉडी में नाइट्रिन ऑक्साइड्स होंगे, बट ये नाइट्रिन ऑक्साइड कैसे आएंगे तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। डार्क चॉकलेट के अंदर पाए जाते हैं फेवरॉन्स जो हमारी बॉडी में नाइट्रो ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारे बॉडी के ब्लड वेसल डायलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर ना तो ज़्यादा हाई जाता है ना ही ज़्यादा लो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। सो दोस्तों ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपका 82-120 रहना चाहिए। ये तो दोस्तों जैसा आपने अभी देखा कि ब्लड प्रेशर आपका कैसे मेंटेन रहता है चॉकलेट खाने से, सो ऐसे ही अगला देखते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो दोस्तों अब हम बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर, तो दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारा किस वजह से लेवल उसका डाउन जाता है, उससे हम कैसे बचें? तो दोस्तों जो चॉकलेट होती है उसके अंदर बहुत कंपाउंड्स होते हैं जैसे पॉलीफिनॉल्स एंड थर्मोब्रोमाइंस। दोस्तों हमारी बॉडी में दो प्रकार के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एक होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा होता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है इसका मतलब है उसका LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। साइंस के अकॉर्डिंग 15 डेज रेगुलर चॉकलेट खाने से आप अपने LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों जैसा हमने अभी जाना कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेके, इसके साथ साथ कि कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है चॉकलेट खाने से, अब हम जानेंगे ब्रेन फंक्शन को लेके। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं ब्रेन को लेकर, डार्क चॉकलेट आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिसके साथ साथ ये आपके अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्सन डिजीज़ से भी आपको बचाती है। डार्क चॉकलेट हमारे ब्रेन की एबिलिटी को बढ़ाती है, जिससे आप जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर इंजरी या डिजीज़ को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है।